नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। महिला ने लगाया नायब तहसीलदार और उसके रीडर पर रिश्वत लेने का आरोप। प्रशासन मौन। 25,000 की रिश्वत के मामले में उलझी नायब तहसीलदार नियति। विदिशा के नटेरन क्षेत्र के नायब तहसीलदार नियति साहू और उसके रीडर हेमंत शिल्पकार पर भूरीबाई पत्नी स्वर्गीय प्राण सिंह लोधी ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पति की मृत्यु होने के बाद पोथी नामांतरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन कई चक्कर लगाने के बाद भी जब काम नहीं हुआ तब नायब तहसीलदार के रीडर ने 25,000 की राशि की मांग की, जो मैं दे चुकी हूँ, लेकिन राशि देने के बाद भी मेरा नामांतरण नहीं हुआ। जब मैं फिर से नायब तहसीलदार से मिलने पहुंची तब मेरे साथ अभद्रता करके मुझे तहसील से बाहर निकाल दिया गया और मुझसे और राशि की मांग की जा रही है। महिला ने कहा कि पति की मृत्यु के उपरांत मैं राशि देने की स्थिति में नहीं हूं, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। पीड़िता ने शपथ पत्र देकर जिलाधीश महोदय से नायब तहसीलदार एवं उसके रीडर पर कार्यवाही की मांग की है। इस विषय में जब नायब तहसीलदार नियति साहू और उसके रीडर हेमंत शिल्पकार से बात की गई तो उन्होंने इस पूरे मामले में लगे आरोपों को झूठा बताया है। SDM प्रवीण प्रजापति ने कहा है कि महिला द्वारा शपथ पत्र दिया गया है जिसके आधार पर जांच की जा रही है। अगर महिला का आरोप सही साबित हुआ तो दोनों दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। मैं आपका और क्या परेशानी है, क्या समस्या है आपकी, बताएं। कैसी समस्या है? कौन सी मैडम है? नियति साहब। तो मैडम ने पैसे मांगे और किसी ने मांगे? उनके उनके बाबू ने मांगे थे। तो फिर क्या आपने पैसे दे दिए? 25,000 दे दे। कितने दिनों से चक्कर काट रही हैं आप तहसील? 2 महीना। 2 महीने। इसके पहले कोई ऊपर वरिष्ठ अधिकारी आप बात हुई है किसी से, कलेक्टर साहब से? हाँ, उनसे बात हुई थी। मैंने फोन लगा था कि हम कर दें, मैंने नहीं करेंगे, ऐसी परेशान कर रहा थी मेरा। मतलब कलेक्टर साहब के कहने के बाद भी काम नहीं हो रहा आपका? नहीं। पैसा किसको दिया आपने? हेमंत। कब दिया? 23 तारीख बुधवार 8:30 बजे शाम। अब क्या चाहती हैं आप? किताब बन जाए, चार कंप्यूटर पे चढ़ जाए। मैडम को कहते मैडम के नहीं, अरे इनको काम 15 दिन तक नहीं कर रहा है, फिर दो ही बाहर है, ज़्यादा कहीं घंटा नहीं पढ़वाते हैं। क्या कारण से उनने ऐसा बोला? कहला तुम तेज बोल रहे हो, हम तो आराम से बातें आ रहे थे, बिनी लगी ऐसी तेज बोल रहे हैं, हम तो हैरान परेशान है, तो हम इतने ना कर रहे थे भी, हमने सुना ही नहीं रही, हम 2 महीना से कर रहे हैं। चक्कर काट रही हैं? 2 महीना से। क्यों काट रही हैं? किताब का। जो कौन सी किताब? जमीन की किताब। तो अभी तक आपका किताब का काम नहीं हुआ? नहीं बनाई। कौन ने नहीं बनाई? तहसीलदार मैडम। क्यों नहीं बनाई? रोक लगाने के रहे। किस वजह से? आपत्ति सुनेंगे बिल्कुल। तो फिर आपने ऊपर किसी अधिकारी संपर्क किया? कमिश्नर से। फिर आदेश है, अमल नहीं करना। अमल नहीं करना।